हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। और जितने भी अभ्यर्थी कल यूपीटेट 2018 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट और ढेरों शुभकामनाएं। और भगवान से मैं यही कामना करूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपीटेट 2018 का, और ख़ासकर जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका पेपर अच्छा हो और वो अच्छे अंक लाएँ और कुछ करके दिखाएँ। तो बात कर लेते हैं, आज है 17 नवंबर 2018, एग्ज़ाम के पहले का दिन, और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके विषय में आप लोगों को मैं बताऊंगा। वैसे आप लोग इतने समझदार हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। आप लोग जो है आज ज़्यादा मत पढ़िएगा सिलेबस का, हल्का फुल्का देख लीजिएगा। जैसे कि मैथ में आप फार्मूले भूल जाते हैं तो आप वो देख लीजिएगा। अब प्रॉब्लम्स मत लगाने लगिएगा कि बैठ जाएं और आज हम वर्क एंड टाइम का पूरा चैप्टर हल करेंगे, ऐसा मत करिएगा। और कोई भी सिलेबस में से जैसे बाल विकास है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, पर्यावर्तन है, तो पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश मत करिएगा कि आज मैं ये पूरा टॉपिक ख़त्म कर दूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। क्योंकि अगर आप ये पढ़ने बैठ जाएंगे सिलेबस के अनुसार, तो हो सकता है आपको बहुत सी चीज़ें ना पता हों सिलेबस में, तो आप टेंशन फुल हो जाएंगे। तो आज सिलेबस का बहुत ही कम पढ़ें, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जिस भी चैनल से आपने मॉक टेस्ट लगाया है उस चैनल से मॉक टेस्ट एक दो बार लगा सकते हैं, क्योंकि पर डे अपलोड हो रहे हैं, नए नए मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मैं आपको आज मॉक टेस्ट दे दूँगा कुछ सब्जेक्ट के, और 90 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट मैं नहीं ला पाया क्योंकि समय नहीं था मेरे पास, तो आज मैं नहीं ला पाऊँगा। और बाकी इतने मॉक टेस्ट मैंने करा दिए हैं आप लोगों को, आज भी मैं एक एक मॉक टेस्ट अगर होगा तो पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास और हिंदी का अलग अलग दे दूँगा। तो आज जो है आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, और आपने एडमिट कार्ड तो निकाल लिया होगा, और 4 पेन रखिएगा ब्लैक। आपको पता है कि जो ओमार है वो ब्लैक पेन से भरी जाएगी, जिसमें जो है 2 पेन ऐसे रखिएगा जिनके डॉट्स जो है वो थोड़ा सा मोटे हों, क्योंकि जिससे जो है ओमार भरने में आसानी होती है, आप आराम से भर देंगे। और 2 पेन ऐसे रखिएगा जो जिनके डॉट्स जो है वो पतले हों, लिंक स्टार वाला पेन जो होता है उसको रखिएगा। 1 पेंसिल रखिएगा, 1 रबड़ और 1 कटर रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, आज आपको टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मेरी यही राय है, बाकी आप समझदार हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज आपको जो है कम से कम 6 से 7 घंटे सोना है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको 6 से 7 घंटा सोना है। और टेंशन दूर करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग म्यूजिक सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं जैसा आपको पसंद है, मूवी देख सकते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, जिससे कि जो है आपका माइंड फ्रेश हो जाए। अगर माइंड फ्रेश नहीं होगा तो कल का एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको 4-5 क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए आते हुए। तो ऐसा ना करिएगा, आज की नींद जो है पूरी लीजिएगा। और बाकी तो आपको पता है, एडमिट कार्ड ले जाना है, पेन कैसे यूज करना है और उसके साथ कौन सी IDs ले जानी है आपको पता ही है, उसके विषय में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकाला है वो ज़रूर निकाल ले, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। तो ये बातें हुई आज की, क्या करना है आपको, सिलेबस कम पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और एडमिट कार्ड और पेन पेंसिल रबड़ कटर ये सब रख लीजिएगा अभी से तैयार करके। क्योंकि ऐसा हुआ था, एक मैं आपको घटना बताता हूँ कि मैंने कम से कम 4 या 5 पेन लिए थे, नीले और काले, जब मैं हाई स्कूल का पेपर देने गया था, तो 2 जेल पेन थे और 1 डॉट पेन था और 1 ब्लैक पेन था। तो जब मैं लिखने बैठा, नीले ब्लू पेन का जेल का यूज किया, तो दोनों जेल पेन नहीं चले, और फिर मैंने डॉट पेन का यूज किया। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप लोग जो है 4 ब्लैक पेन लेके जाइएगा। कुछ भी हो सकता है, जब लक खराब होता है तो कुछ भी हो सकता है। तो 4 ब्लैक पेन रखिएगा, 2 मोटे डॉट वाले और 2 पतले डॉट वाले, 1 पेंसिल रबड़ कटर। बाकी आपको सोना आज 6 से 7 घंटे, बात तो ये हो गई आज की। अब
कल की बात करते हैं, कल एग्जाम की। देखिए सबसे पहले जो है आपको आज की रात में 6 से 7 घंटा सोना है, और एग्जाम में आपको जाने के लिए कहा जाता है कि आधा घंटा पहले जो है आप लोग सेंटर पर पहुंच जाएगा। तो वो लोग गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर आप समय से नहीं पहुंचेंगे तो आपको टेंशन होगी, आप पेपर अच्छे से नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जो है आप लोग सेंटर पर जो है कम से कम 30 या 40 मिनट पहले पहुंच जाइएगा, जिससे आप लोग जो है अपने क्लासेस देख सकते हैं, आप कहाँ पे बैठे हुए आराम से देख सकते हैं। और एडमिट कार्ड बाकी तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या ले जाना है। सबसे बड़ी बात आती है ओमार भरने की। तो ओमार भरने के लिए आपको करना क्या है, अगर मैंने आपको कहा है आप पेंसिल ले जाइएगा, तो सबसे पहले आप लोग जो है अगर ध्यान से भरते हैं, अगर आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस है तो आप सीधे पेन से भर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं चाहते कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो, अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसे सुधार सकूं, तो सबसे पहले आप ओमार जो है वो पेंसिल से भरिएगा। रोल नंबर है तो सब पेंसिल से भरिएगा, जो उसमें डॉट्स होते हैं उनको टिक कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है डॉट्स को भरिएगा। ऐसा अब जब पेंसिल से आप पूरी ओमार शीट भर लेंगे, जो मेन मेन चीज़ें होती हैं जैसे रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है आपका, और सीरीज है, नेम है, ये सब चीज़ें होती हैं, बुकलेट नंबर है, तो इनको बड़ा ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर आप ज़रा से भी गलती करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी और आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी। और आप व्हाइटनर का यूज नहीं कर सकते हैं, ओनली ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। तो ओमार भरने के लिए सबसे पहले आप लोग जो है पेंसिल का यूज करिएगा। एक बार पेंसिल से भरने के बाद दोबारा उसे चेक कीजिएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो दोबारा चेक करने के बाद अगर आपका मन हो तो 3 बार चेक करिएगा, क्योंकि ओमार में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चेक करने के बाद जो है आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, मतलब ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा, अपने पेन का यूज़ कर लीजिएगा जो भी आप ले जाते हैं, जिस भी कंपनी का पेन। फिर आपको जो ओमार है, ओमार में आपको ऐसे 4 गोले आते हैं, तो आपको ऐसे नहीं भरना है, ऐसे नहीं भरना है, या ऐसे नहीं भरना है आधा छोड़ दिया, आपको जो है पूरा भरना है, पूरा भरना है, मतलब कुछ भी नहीं छूटे, ऐसे मतलब पूरा भरिएगा। और गोला को ब्लैक करने के लिए आपको मोटे डॉट का पेन का यूज करना है, जिससे कि आपका समय बचेगा, ये ध्यान रखिएगा। बात तो ये हुई आपकी ओमार के मेन चीज़ों को भरने के लिए। अब आता है पेपर हल करने के लिए, आपको क्या करना है, 5 पोर्शंस हैं, तो मेरे अनुसार आपको जो सबसे अच्छा आता है वही सबसे पहले करिएगा, क्योंकि आपको पता है मेरा सब्जेक्ट ही सबसे अच्छा है, तो मैं इसमें अच्छे नंबर गेन करूँगा। तो अगर आप उस सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं, अगर आप 30 में से 25 नंबर का सही कर लिए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप आगे जो भी पोर्शन करेंगे वो आप अच्छे से करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो आपको प्रश्न नहीं आते हैं उन पे टिक कर लीजिएगा कि मैंने ये नहीं किया है, उसको बाद में करिएगा, उस पे अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। और मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपने जिस पोर्शन को किया है उस पोर्शन का ओमार में भी उत्तर भर दीजिएगा, क्योंकि आपने मान लीजिए बाल विकास का पोर्शन किया है, 30 में से आपने जो है 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो है उनको जो है आप ओमार में गोला कर दीजिएगा, क्योंकि एक साथ 150 गोले भरने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है, मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो मैं तो जो भी पोर्शन होता था, जैसे मैंने हिंदी का किया है, अगर उसमें 27 प्रश्न किए हैं तो मैंने 27 प्रश्न के जो गोले होते हैं उनको मैं भर देता था, फिर उसके बाद में अगला पोर्शन करता था, अगला पोर्शन करने के बाद उसको भरता था ओमार में, फिर आगे बढ़ता था। इस तरीके से जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैंने बाल विकास का कर लिया है तो ओमार में भी भर गया है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब पता चला पूरे पूरे 150 क्वेश्चन किए बैठे हैं, उसके बाद जो है ओमार भरने स्टार्ट किए हैं, हो सकता है आपको टाइम ना मिले, तब भी दिक्कत हो सकती है।
ऐसे है, आपने 4 पोर्शन कर लिए हैं तो आपको ये तो रहेगा कि हाँ मैंने 120 क्वेश्चन जो है वो मार्क में भर दिए हैं। मेरे पास 30 क्वेश्चन बचे हैं, और बाई चांस अगर आपको थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है तो आपके हो सकता है 1-2 क्वेश्चन छूटे, और पता चला ऐसे 150 क्वेश्चन कर डाले हैं और आपके पास समय बचा है 10 मिनट का भरने के लिए, तो ये गलत तरीका है। जो भी पोर्शन करिएगा उसको साथ में भरते चलिएगा। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप लोगों को जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट आता है उसको सबसे पहले करें, तो यही राय है मेरी। बाकी आपको पता है, आप लोग समझदार हैं। तो मैंने आपको क्या बताया आज के लिए कि आज आपको जो है सिलेबस कम पढ़ना है, मॉक टेस्ट 17 नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट जो लगाना है, 7 से 8 घंटे नींद लेनी है, और कल के लिए जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर पर आपको 40 मिनट पहले या आधा घंटा पहले पहुंच जाना है। वो मार्क भरने के लिए सबसे पहले पेंसिल का प्रयोग करिएगा, जिससे कि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो, और पेंसिल से भरने के बाद वो मार्क को कम से कम 2 या 3 बार चेक करने के बाद ही आप लोग ब्लैक पेन से भरेंगे। ब्लैक पेन का ही यूज करना है, वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वाइटनर का प्रयोग करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ऐसा निर्देश पहले ही आ चुका है। उसके बाद जो पोर्शन आपको सबसे अच्छा लगे उसको सबसे पहले करिएगा, और उसमें ही होला भर के अगला पोर्शन करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है क्या असुविधा होती है जब 150 क्वेश्चन एक साथ करते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है, और जो सबसे आपको कठिन लगता है उसको सबसे लास्ट में करिएगा। तो बस यही बात थी, और डरिए मत, हौसलों को बुलंद रखिए, डरिए मत एग्ज़ाम से। अगर आप डर जाएंगे तो आपको हवा लगेगा एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने पर ही, आप डर जाएंगे, हाय मेरा पेपर कैसा होगा, हाय क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन सब चीज़ों से मत डरिए, टेंशन ना लीजिए, और आराम से पेपर देने जाइए कल के लिए। एक देखिए छोटी सी शायरी है, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। कितनी अच्छी बात लगी है, वो और थे जो हार गए आसमान से। आप वो मत बनिए जो हार गए आसमान से, आप जीतने वाले बनिए, और मैं कामना यही करता हूँ कि आप लोग जीत के आएंगे कल के एग्ज़ाम में। और मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को ढेरों शुभकामनाएं, और भगवान से दुआ है कि आप लोग जो है कल डेफिनेटली पेपर अच्छा करके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।